लास्ट क्लास हमने क्या किया था, लास्ट क्लास हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं वो किया था। आज के क्लास में हम उसी में सब्स्टिट्यूशन में और क्या टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं उसको जरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला टाइप आज के क्लास का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स डी एक्स, अगर इस फॉर्म में हो, वेयर जो पावर है अगर वो वन से लेके वन टू थ्री फोर, फोर तक अगर हो तब हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो सीखना है। ठीक है, अब यहां पे हमें ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्या फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला जो होगा ट्रिगोनोमेट्री का, ये साइड में लिख लेना, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला इस टॉपिक में इस्तेमाल होगा या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री के कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। एक होगा कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का क्या क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन के फॉर्म में जो कि है वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा, और एक क्या होगा, अगर और एक होगा वन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा। अब इसी में से मैं अगर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकालू, साइन स्क्वायर एक्स मेरा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, ये होगा या नहीं होगा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकालू, कॉस स्क्वायर एक्स मेरा कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा। अब मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ये दो फॉर्मूला लिख देता, लेकिन कोई मतलब ऐसा इसका कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, इसी फॉर्मूले से ही ये दो फॉर्मूले डिराइव हुए, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को याद रखना है। उसके बाद और एक फॉर्मूला याद रखना है, कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस क्यूब एक्स, ये होता है ना, सॉरी नहीं नहीं थ्री साइन एक्स थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा अगर साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला देखें, साइन थ्री एक्स हमारा कितना होगा, साइन थ्री एक्स इक्वल टू फोर कॉस क्यूब एक्स, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, ठीक है। तो इन फॉर्मूले की, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले की जरूरत होगी जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब आते हैं कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से जाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो जनरली बच्चे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, बच्चे यहां पे क्या करते हैं, चेन रूल लगा देते हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल होता है ना वही यहां पे लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहां इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता, ये बार बार बोलता हूं, याद रखना, दिमाग में रखना, ठीक है, चेन रूल नहीं लगाना होता है। तो यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला निकला, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, है ना। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स, ये होगा। अब यहां पे वन बाय टू क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं वन बाय टू बाहर ले आया, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस टू एक्स, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको अलग अलग कर दो, तो वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स, ये होगा या नहीं होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, अच्छा हाँ होल कर दो ना, मैं ये ब्रैकेट देना भूल गया था, ये होल कर देना, ठीक है।
ये हाफ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया पहले से। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx मेरा कितना होता है? हाँ हाँ x प्लस सी, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 x प्लस, अच्छा यहां पे cos x अगर होता, सिर्फ cos x होता तो क्या हो जाता? इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x होता है ना, sin x प्लस सी। लेकिन यहां पे है क्या? cos 2x, तो कितना होगा? sin x बाय sin 2x बाय 2 है ना, तो sin 2x बाय 2। अब 2 क्यों हुआ, बाय 2 क्यों हुआ? x का कोफिशियंट क्या है? 2, 2 का रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया प्लस सी। तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें, x बाय 2 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, ये फॉर्मूला अगर दिमाग में नहीं होता तो ये सॉल्व नहीं कर पाते। फॉर्मूला होना जरूरी है दिमाग में टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो अब मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स। अब देखो यहां पे क्यूब का तो कोई सिस्टम है नहीं, फॉर्मूला कुछ है, बस स्क्वायर का है। लेकिन यहां पे अगर गौर से देखो, यहां पे आपको साइन क्यूब एक्स मिल रहा है, तो इसी फॉर्मूले में से मैं अगर साइन, मुझे फॉर्मूला क्या बताया, कॉस 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये बताया ना। इसमें से अगर मैं साइन क्यूब एक्स निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, मैंने यहां पर कुछ गलत लिखा है क्या? फॉर्मूला गलत लिखा है, ये साइन 3x का फॉर्मूला है और ये कॉस 3x, हाँ फॉर्मूला गलत लिखा है, वही मैं बोलूँ यहाँ पे कॉस कहाँ से आ गया। ये हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 3x, हाँ साइन 3x बाय 4। तो अब यहाँ पे साइन क्यूब एक्स के जगह पे मैं इस वैल्यू को डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता? डाल सकता हूँ। तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 dx, ये हो गया। अब यहां पे कांस्टेंट क्या है? 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले आया, इसको होल इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 यहां पे 1/4 बाहर, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, 3 इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस, अब साइन 3x है तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x बाय 3, तो माइनस कॉस 3x बाय 3 और ये हो गया प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाय 12 प्लस सी। इसको थोड़ा सजा के लिखें तो कॉस 3x बाय 12 माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या चेंज? देखो यहां पे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब डी कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, अब देखो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स होगा या नहीं होगा?
अब देखो, अगर यहां पे अंदर मुझे एक 2 मिल जाए, यहां पे ब्रैकेट के अंदर अगर मुझे एक 2 मिल जाए, तो यहां पे एक 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स? 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2x होता है, साइन 2x, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं 2 लाता हूं, तो मुझे बाहर कितना मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ? अगर मैं यहां पे देखो 2 इधर लाता हूं, ये क्यूब के अंदर है ना, तो मुझे कितना मल्टीप्लाई और करना होगा? 1/8 मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा? ये समझे या नहीं समझे सुप्रिया? चलो, अब ये हो गया कितना, 1/8 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया? साइन 2x, साइन क्यूब 2x dx, ये बन गया साइन क्यूब 2x dx। अब देखो साइन क्यूब 2x dx है ना, तो साइन क्यूब एक्स अगर हमारा ये फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, तो साइन 2x का क्यूब कितना हो जाएगा? x के साथ यहां पे हर जगह 2 मल्टीपल आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/8 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x हो जाएगा हमारा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाय 4 dx होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब इधर से 1/4 कॉन्स्टेंट है, 8 4 जा 32, 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ होल 3 साइन 2x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। अब इसको सॉल्व करो, 1/32 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 2x का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस साइन 6x का माइनस कॉस 6x बाय 6 प्लस सी। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 3/64 विद अ माइनस साइन, 3/64 कॉस 2x प्लस 32 × 6 कितना होगा? 192। ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x बाय 192 प्लस सी होगा। इसको थोड़ा सजा के लिख दे तो कॉस 6x बाय 192 माइनस 3 कॉस 2x बाय 64 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मान लो यहां पे क्यूब की है, स्क्वायर का क्वेश्चन किए, स्क्वायर अगर पावर में हो, क्यूब अगर हुआ तो उसका टाइप पे इक्वेशन कर लिए। अब अगर 4 हो, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो साइन टू द पावर 4x है, 4x dx, साइन टू द पावर 4x dx अगर है। अब देखो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx ये होगा या नहीं होगा? अब यहां पे 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और यहां पे 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 × 1 2 2 कॉस 2x dx होगा या नहीं होगा? क्या किया? कुछ नहीं किया। यहां पे इसका स्क्वायर कर दिया 2 का, तो 4 हो गया, इसको बाहर ले आया, और यहां पे 1 माइनस कॉस 2x में a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल दिया, और कुछ नहीं।
और उसको एक्सपैंड करके लिख लिया। अब इसको अलग अलग करके सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिर्फ 1 है तो dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x माइनस इंटीग्रेट विथ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x प्लस cos स्क्वायर 2x। अब cos स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखो cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस cos 2x बाय 2 है ना, तो यहां पे वही डालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx माइनस यहां पे 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 x प्लस यहां पे 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x बाय 2 होगा या नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, sin 2x बाय 2 ये हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट है ये हो गया कितना, sin 2x बाय 2 प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। अब इधर ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पे देखो ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसिल, ये हो जाएगा x बाय 4, ये 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x बाय 4 प्लस ये देखो x बाय 2 और प्लस ये और एक 1/4 तो x बाय 8 ये हो गया, प्लस ये हो गया sin 2x बाय 4 और एक ये 4 16 तो sin 2x बाय 16 माइनस sin 2x बाय ये हो गया 4 आ गया प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x के लिए 8 तो 8 ये हो गया 2x प्लस x 3x बाय 8 प्लस ये हो गया 16 तो sin 2x माइनस कितना होगा, sin 2x और उसके साथ 4 sin 2x तो माइनस 3 sin 2x तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin 2x प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहां पे गलती हुए, क्या गलती हुए देखो, यहां पे फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर 2x है ना, cos स्क्वायर 2x मैंने यहां पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला डाला तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x के बदले cos 4x होगा, यहां पे गलती हुआ है ठीक है। समझे कहां पे गलती हुआ है या नहीं, तो ये होगा कितना 4, ये डिवाइडेड बाय ये भी 4 हो जाएगा तो यहां पे ये कितना होगा x बाय 8 और ये हो गया 8 × 4 = 32 और ये 4x sin 4x माइनस ये होगा तो ये हो जाएगा कितना 3x/8 प्लस sin 4x/32 माइनस
साइन 2x बाय 4 प्लस सी, ये आंसर होगा। यहां पे गलती हुआ था, ठीक है चेंज कर लेना, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, मैंने इतना कर किया, एक क्वेश्चन खुद करके मुझे दिखाओ। अगर यहां पे होता cos टू द पावर 4x, cos टू द पावर 4x dx, ये करके खुद दिखाओ तो बोलो आंसर बोलो। जो यहां पे किया गया वही है, बस फॉर्मूला डालना है और सॉल्व करना है। करो इतना क्वेश्चन तो किए, करो तुम लोग खुद करो, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आंसर लास्ट में मैच कर लेना, ठीक है। चल तो ऐसे कुछ टाइप्स के क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। अब आते हैं इसमें और क्या टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकता है वो देखते हैं। चलो जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कॉस nx dx और साइन mx इंटू साइन nx dx और कॉस mx इंटू कॉस nx dx, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं, इसी में अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे सॉल्व करें। तो यहां पे भी ट्रिगोनोमेट्री के चार फॉर्मूले हमारे हमें जरूरत पड़ेंगे, क्या क्या, 2 sin a cos b, इसका क्या फॉर्मूला होता है याद है, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा 2 cos a sin b, अगर ये आए तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इन प्लस कॉस ए माइनस बी। और चौथा 2 sin a sin b, इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे दिमाग में ट्रिगोनोमेट्री के ये चार फॉर्मूले होना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूले नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला दिमाग में रखे रहना। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो यहां पे हमारे पास जो भी फॉर्मूला है, देखो अगर मैं 3x को a लेता हूं और 4x को b लेता हूं, तो यहां पे साइन है कॉस भी है, साइन है कॉस भी है, लेकिन सामने 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक 2 मल्टीप्लाई करूंगा और एक डिवाइड करूंगा, तो 1/2 मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसको ऐसे भी अगर लिखा जाए 1/2 इंटू 2 साइन 3x कॉस 4x dx, कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो यहां पे मैं इसको इधर इंटीग्रेशन सिंबल रखता हूं और 1/2 में बाहर ही ले आया स्टार्टिंग से। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला 2 साइन ए कॉस बी वाला, तो क्या लगने लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी साइन 3x प्लस 4x, कितना हो जाएगा 7x होगा प्लस, तो ये क्या हो गया साइन 7x प्लस साइन क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x, तो कितना होगा माइनस एक्स होगा ना, तो माइनस एक्स डीएक्स। अब देखो साइन माइनस थीटा मेरा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये यहां से मैं क्या करता हूं माइनस सामने ले आया, तो ये प्लस हमारा क्या बन जाएगा माइनस, और ये डीएक्स। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2 साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब यहां पे इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला डाल दो, तो कितना हो जाएगा 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाय 7 माइनस साइन एक्स का सिर्फ माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको अगर सॉल्व करने जाए तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाय 14 प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस सी। इसको थोड़ा सजा के लिखे तो कॉस एक्स बाय 2 माइनस कॉस 7x बाय 14। मान लो क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x कॉस 4x dx, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, वही चीज इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाई अंदर किया और एक बाहर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 कॉस 2x कॉस 4x dx। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस ए कॉस 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए प्लस बी कॉस 2x प्लस 4x 6x प्लस कॉस ए माइनस बी 2x माइनस 4x माइनस 2x dx, ये होगा। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है कॉस माइनस थीटा, अगर याद नहीं है याद रखो, साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा आपका होता है सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। यह हर जगह इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो यह कितना हो जाएगा, यह माइनस को हटा दो, वही कॉस 2x ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx
अब 1/2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, तो ये साइन कितना हो जाएगा, साइन 6x बाय 6 प्लस साइन 2x बाय 2 प्लस सी। तो सॉल्व करेंगे तो साइन 6x बाय 12 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आसान है, ठीक है, आसान है, लेकिन क्या होना चाहिए दिमाग में, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो कैसे रहेगा सर फॉर्मूला दिमाग में, हर क्लास में बोलता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। अगर एक क्लास में 10 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तो उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन लगाने हैं, अगर नहीं लगाओगे तो मैथ्स नहीं होगा, यह दिमाग में बिठा लो। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, कॉस 2x कॉस 4x और एक मान लो कॉस 6x गिवन है, कॉस 6x dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको करने के लिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड वाला है, लेकिन जो मैं करने वाला हूं वो हिट एंड ट्रायल है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को ग्रुप कर देता हूं। आप बोलोगे सर इन दोनों को क्यों नहीं किए, कॉस 4x कॉस 6x या फिर कॉस 2x कॉस 6x क्यों नहीं किए। देखो मैं जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला कोफिशियंट, उसको मैं अलग जानबूझ के रख रहा हूं ताकि बाद में मुझे वो काम में आ जाए, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो मैं इसको ग्रुप कर देता हूं, ठीक है, कॉस 2x इंटू कॉस 4x। अब इसके साथ मैं एक 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1/2 बाहर, फिर 2 कॉस 2x इंटू कॉस 4x उसके साथ इंटू कॉस 6x dx, ये बन गया। अब यहां पे मैं फॉर्मूला डालता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस 6x प्लस कॉस 2x ये होगा इंटू कितना है कॉस 6x dx ये है। अब ये कॉस 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x ये होगा। अब देखो आप कोई भी दो को लेते तो भी यही कॉम्बिनेशन में बनता, ठीक है, यही आता, लेकिन फॉर सेफ साइड हमेशा क्या करना है, दो छुपे स्टार्टिंग में जो दो छोटे कोफिशियंट होंगे पहले उसको लेना। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे कॉस 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वेयर 6x प्लस कॉस 6x कॉस 2x dx ये बना। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो अगर इन दोनों के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा होल में तो इसके साथ बाहर कितना मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, 2 डिवाइड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 6x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस 6x कॉस 2x dx ये होगा। अब देखो इसको अलग अलग करते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 6x इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहां पे फॉर्मूला लगेगा क्या, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो यहां पे लगा ही देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x प्लस कॉस 4x, इसको पहले से ही स्टार्ट
कॉस फोर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब 1/4 ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 6x डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x डीएक्स, ये हो जाएगा। अब अलग अलग सॉल्व कर दो तो कितना होगा, ये वाला साइड लिख चुके हो, अब जो ये वाला पार्ट है कौन सा, ये वाला पार्ट, इसको हमने अभी जो प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करना सीखा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, कॉस स्क्वायर 6x, तो क्या फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स का, अभी बताया था क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ये होता है ना फॉर्मूला, अभी बताया था जो प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस 6 है यहां पे 6 और ये 2 12x बाय 2 dx प्लस कॉस 8x का क्या हो जाएगा साइन 8x बाय 8 प्लस कॉस 4x का कितना हो जाएगा साइन 4x बाय 4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट 2 यहां पे है और ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा आपका x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x हो जाएगा साइन 12x बाय 12 प्लस साइन 8x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस सी, ये होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x बाय 4 प्लस साइन 12x बाय 48 प्लस साइन 8x बाय 32 प्लस साइन 4x बाय 16 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया कैसे सॉल्व किया गया, मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x बाय साइन एक्स डीएक्स, इसको कैसे करें। अब देखो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ऑफ 2x बाय साइन एक्स डीएक्स, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब साइन 2x का क्या फॉर्मूला हमें पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहां पे साइन 2 ऑफ 2x है तो क्या हो जाएगा साइन 4x मेरा कितना हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। चलो अब यहां पे डाल दो तो कितना हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स डीएक्स। अब यहां पे देखो ये जो साइन 2x का जगह पे, ये साइन 2x के जगह पे क्या मैं ये फॉर्मूला डाल सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फिर से, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x, ये कॉस 2x कहां से है, ये जो पहले से था डिवाइडेड बाय साइन एक्स डीएक्स होगा। अब ये साइन एक्स और ये साइन एक्स गेट्स कैंसिल तो बचा कितना इंटीग्रेशन ऑफ 4 कॉस एक्स कॉस 2x डीएक्स, ये बचा,
लेकिन मुझे यहां पे फोर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टू चाहिए, टू चाहिए ना, टू टू कॉस से कॉस भी, तो टू लाने के लिए यहां पे मुझे क्या करना होगा, टू डिवाइड करना होगा, है ना, टू डिवाइड अगर करूंगा तो टू मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो टू बाहर और इसके साथ टू डिवाइड कर दिया तो ये हो गया टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, टू, फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग कर दो, तो टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होगा या नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू इंटू कॉस थ्री एक्स का क्या होगा, साइन थ्री एक्स बाय थ्री प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सजा के लिखे तो टू साइन थ्री एक्स बाय थ्री प्लस टू साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया, चलो। तो ये थे सब्स्टिट्यूशंस के और कुछ टाइप्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास हम सब्स्टिट्यूशन में और क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन में और क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चलने वाला है तो हैव पेशेंस और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।